स्टूडेंट्स क्लास 12th फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, और उसमें आज मैं बताने वाला हूँ प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। आपके लैब मैनुअल्स में ये इसका ऑब्जेक्टिव ये रहा टू डिटरमिन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। 30 नहीं लेते हैं, उन्होंने दे रखा है 30 नहीं लेते हैं, 35 से करते हैं, 5-5 का गैप लेके 60 तक करते हैं। ये पहले से किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, इसकी टेबल को मत देखिएगा, हम आज ये एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए कि वैसे मैंने एक ये दो पेजेस जोड़ के ये शीट बनाई है, एक पूरी ड्राइंग शीट आती है, या तो उसका यूज़ कीजिए या ऐसे ही आप दो पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। बुक में इसके इंस्ट्रक्शन कुछ और हैं और आपके स्कूल्स में भी इसके इंस्ट्रक्शन कुछ और दिए जा सकते हैं, पर मेरा पर्सनली बिलीव है कि सबसे पहले जो प्रिज्म आपको मिलेगा आप उसे रख के उसकी आउटलाइंस बना दें, 6 आउटलाइंस बना दें, और फिर 6 के 6 पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें। आपके टीचर शायद इसमें मना करें, दूसरा तरीका बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। और फिर इसे इस लाइन के ऊपर यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल बनाएं, फिर 40 45 50 55 60। नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको इस प्रिज्म को इसके ऊपर रख देना है, और याद रखिए एक बार जो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिज्म मिला उसी पे आप पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। मैं यहाँ पे आपको एक राय दूंगा, कई स्टूडेंट अपने फिजिक्स लैब से ये प्रिज्म चुरा लेते हैं, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आपको घर पे करना है या आप मार्केट से ले लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं, 100 रुपये 150 रुपये के लगभग का आ जाएगा। इसे लेके आप खुद कीजिए, अपने टीचर से बोल दीजिए हम अपने प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे ऐसे रख दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये पिन, मैंने खास तौर पे बीड एंडेड पिन ली है, आपको ऑर्डिनरी ऑल पिन मिलेगी लेकिन बीड एंडेड इसे इसमें माउंट करना आसान होता है। तो ये जो इंसिडेंट रे की लाइन है इस पर मैंने एक को माउंट कर दिया, और ऐसे ही एक और को, करीब कहते हैं वैसे 5 सेंटीमीटर का गैप, पर ठीक है इतना नहीं होता, तो थोड़ा सा गैप लेके आप दूसरी पिन माउंट कर दें। ये हो गया, अब इसे देखा किधर से जाएगा, इधर से नहीं, ये यहाँ से भी देखेगी आपको, यहाँ से नहीं, इस फेस से देखने की कोशिश करेंगे। बोर्ड हिलाना पड़ेगा, तो मैं पहली बार मैं कैमरे के थ्रू इसे देख रहा हूँ, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये देखिए, देखिए आपको शायद इस पर ठीक से फोकस नहीं हो पाएगा, ये बीड दिख रहा होगा आपको, ये उसके पीछे,
दैट्स बेटर, ये दिख रहा है आपको। अब ऐसे एंगल पे आइए कि वो ओवरलैप कर जाएं। ये हो गया, ओवरलैप कर गई। तो देखो दोनों की दोनों। ओके, अब आप एक ऑल पिन लेके और ये कैमरे में थोड़ा ये डिफ्रैक्शन के थ्रू ऐसे ट्रांसपेरेंट सी लग रही है, पर ये ऑल पिन ही है। ये है रियल लाइफ का डिफ्रैक्शन। ये देखिए, और अब इसे ओवरलैप करते हुए इसके ठीक आगे एक और लगा देते हैं। अगेन ये दिख रहा होगा आपको डिफ्रैक्शन का इफेक्ट, एक ही टॉपिक में दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। एनीवे खैर, ये वर्ड यूज़ मत कर देना एग्जामिनर के सामने। तो ये देखने में ऐसा हो गया। तो फिर हमने इसका भी पाथ ट्रेस कर लिया। नाउ कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ऑलराइट, तो ये हमें, ऑलराइट, तो ये हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अब इससे आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो इन लाइंस को ज्वाइन कर लो यहाँ तक, और इसे थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा फेंट, इसे थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे ताकि हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकें। तो इस तरीके से हमने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाया और ये एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिए। अब हम प्रोट्रैक्टर से इनकी रीडिंग्स ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अप्रोक्सीमेटली 46 हो रहा है यहाँ से। दिस वन इज स्लाइटली लेस, 45, क्लोज टू 45, 44। दिस वन नियरली 37। स्लाइटली लेस देन 40, 40, 39। सो दीज आर द, ओके, सो यहीं पे बना देता हूँ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। तो 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो 46, पहले 35 पे है 46, फिर है 44, 37, 39। तो देखिए ये मिनिमम निकला, फिर ये बढ़ने लग गया 49। आई डाउट अबाउट दिस, खैर एनीवे बढ़ गया, इतना काफ़ी है। इसे एरर हो सकता है, इतना सडन चेंज नहीं आता वैसे ज़्यादातर, बट एनीवे हमें अपना मिनिमम मिल गया है आगे 55, ठीक लग रहा है। तो अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए, अब इन रीडिंग्स के साथ आप अगर ये चाहते हैं, इन रीडिंग्स के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ग्राफ दिखने में काफ़ी अच्छा सा आए, तो रिमेम्बर ये जो इधर जिस डायरेक्शन में आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे उसे काफ़ी क्लोज क्लोज लेना, और जो एंगल ऑफ डिविएशन लेंगे उनमें ज़्यादा रेंज लेना, ज़्यादा गैप लेना। तो वाई एक्सिस में एंगल ऑफ डिविएशन और एक्स एक्सिस में एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मैंने काफ़ी एक एक सेंटीमीटर का गैप रखा है इन सब में, इधर ज़्यादा गैप रखेंगे तो ये रहे।
थोड़ा सा टेक्निकल बात तो हो रही है अब, तो जैसे अगर एक डिग्री मुझे काउंट करना है तो मुझे यहाँ 2 मिलीमीटर्स जाना पड़ेगा। अब आई डोंट नो आप ये समझ पाएंगे कि नहीं, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। यहाँ से यहाँ तक 5 काउंट हो रहा है, 35 से 45 काउंट हो रहा है, और डिवीजन कितने हैं, 10 यहाँ हुए, 10 यहाँ हुए, 20 हुए, तो 20 डिवीजन पे 5 आ रहा है। ओ अच्छा, तो बहुत वाइड रेंज मिल गई। तो चार चार के गैप में ये 1 2 3 4, ये 1 डिग्री हुआ, ये 36 हुआ, 1 2 3 4 37, 1 2 3 4 38, 1 2 3 4 39, तब ये 40 हुआ। तो चार चार के गैप में एक को काउंट करेंगे। तो पहला है, पहली एंट्री है हमारे पास 46, तो कहाँ है, ये रहा 45, और चार और काउंट करो, ये हुआ 46। यहाँ पे 35 से ऊपर जाओ, 46 से इधर आओ, ये रहा वो पॉइंट, और इसके चारों ओर एक सर्किल बना दो। वैसे तो करीब इतना होना चाहिए, जितना ये एक डिवीजन के बराबर है उतना इसका डायमीटर होना चाहिए। 1 2 3 4, लगभग लगभग उतना ही हो रहा है। अब सेकेंड एंट्री है 44, 45 44, करीब 45 से एक कम, यहाँ कहीं 37, 37, दिस इज 35, 36, 37, फिर 50 पे 39, फिफ्टी फाइव पे 49, 55, मैंने कहा था ना एंड में थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया है, इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा आ गया है। अगर आप इनसे पॉइंट टू पॉइंट जोड़ेंगे तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि आइडियल होता ही नहीं है। तो इसे एक फ्री हैंड कर्व में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्री हैंड कर्व कोई ज़रूरी नहीं है उसमें सारे पॉइंट लाई करें, पर उसके क्लोज सारे पॉइंट होते हैं। तो जो मैं एरर की बात कर रहा था, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, वो एरर विद इन होता है, इसी में लाई करता है। इसलिए हम एक फ्री हैंड कर्व बनाते हैं, ये क्लोज पॉइंट हैं उसके, ये पॉइंट उस पर लाई कर रहे हैं। तो ये हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिला, विच इज़ 37 डिग्री। तो यहाँ डेल्टा मिनिमम मिला हमें 37 डिग्री। तो इसमें, इसके अलावा हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चाहिए होता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, वो 60 डिग्री है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 37 डिग्री हमारा आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इसे ईटा लिखता हूँ, आप म्यू लिखते हैं, कुछ लोग एन लिखते हैं, तो आप देख लीजिए उसे। साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन 60 प्लस 37 बाई 2 अपॉन
साइन 60/2 दैट इज 30 डिग्री। यह है हमारा साइन 97/2 / sin 30 डिग्री। साइन 97/2 करीब साइन 48 पॉइंट समथिंग। एक गेस करें अगर इसमें, तो साइन ये अप्रोक्सीमेटली साइन 45 के लगभग मान लेंगे इसे हम। साइन 46 हो रहा है, या नहीं 48 हो रहा है, लगभग लगभग 48.5। तो जितना साइन 45 की वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा और वैल्यू होगी। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 को अगर आप सॉल्व करें तो वो आता है 0.707। याद रखना 1/√2 की वैल्यू 0.707। और तो 48.5 है तो थोड़ा और बढ़ा दो, 0.71 कर दो, वो राउंड ऑफ होके भी होना ही था, 0.2 कर दो। हाँ 0.72 आप निकाल लेना फिर इसे, अगर उसमें आप आजकल तो गूगल में भी मिल जाता है इसकी वैल्यू, निकाल लेना आप। अपॉन साइन 30 0.5, साइन 30 1/2 दैट इज 0.5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.8। थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो गई। वैसे जनरली इनकी वैल्यू 1.6 तक आती है, ये लैब के जो प्रिज्म हैं। कुछ अलग अलग भी होते हैं, कुछ आपकी ये वैल्यू 1.5 से लेके 1.7 तक वैरी करेगी। 1.8 कुछ ज़्यादा ही आ गई है वैसे, बट ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। और इसके बाद आपका ये ग्राफ और ये जो वाइट शीट है ये नोटबुक में अटैच होती है। तो आगे और एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस चैनल को, चैनल